यूपी में बदमाश भले ही कितना भी दम भर लें, लेकिन नोएडा की पुलिस ने भी अपने मंसूबों को साफ कर दिया है कि कम से कम नोएडा में तो अपराधियों को अपराध नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि 20-21 सितंबर की रात को नोएडा के सेक्टर 1 में स्थित पीएनबी बैंक को लूटने के मकसद से कुछ लोग बैंक परिसर में घुस गए थे। बदमाशों ने लूट में असफल होने पर दो गार्डों की सरिया और फावड़े से निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं ये पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग जाने से पुलिस आश्वस्त हो गई थी और एसएसपी अजय पाल शर्मा ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ये थाना सेक्टर 1 गौतम बुद्ध नगर में 21 तारीख को ये घटना की गई थी, जिसमें कि पीएनबी में कार्यरत दो गार्डों की हत्या की गई थी। उसके बाद में बैंक में लूट का प्रयास किया गया था। इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार किए गए और एक नाबालिग साथी है जिसको ट्रेस किया गया, जो कस्टडी में है। इसमें जो पुलिस के साथ में जो मुठभेड़ हुई, दो बदमाश घायल हुए हैं और इनसे पूछताछ में जो पूरा इन्होंने घटनाक्रम बताया कि इनकी कुछ दिन पहले ये प्लानिंग हुई थी, पीछे के रास्ते से कैनरा बैंक के रास्ते से आते हुए इन्होंने एंट्री करी है। उसके बाद में रॉड के साथ में, फावड़े के साथ में वहाँ पर गार्ड की हत्या करी, जिसमें कि दिनेश नाम का व्यक्ति जो इनका साथी था, जो फूल लेने के बहाने वहाँ पे गया और उसने रेकी करी कि वो गार्ड जब नींद में थे तो वहाँ पे आकर अपने साथियों को बताया। इसके बाद इन्होंने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद बैंक में एंट्री की। फिलहाल इनको गिरफ्तार किया गया है, रिमांड अप्लाई करके आगे की पूछताछ की जाए। तस्वीरों में पुलिस के गिरफ्त में दिखने वाले ये युवक वही हैं जिन्होंने बैंक की लूट में असफल होने पर बैंक के दो गार्डों की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद से ही टीम बनाकर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई थी। कल देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि बैंक को लूटने वाले बदमाश नोएडा के सेक्टर 19 में बस स्टैंड पर खड़े हैं और कहीं जाने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। तभी 3 लोग संदिग्ध अवस्था में दिखे। टीम ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी और 1 बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। सीसीटीवी कैमरे जो लिए गए हैं, इनके द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया, उसमें इनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया एक लाइट के ऊपर गार्ड के शर्ट को डाल करके, ताकि सीसीटीवी में ना आए, और ऊपर काफ़ी प्रयास किया है कि सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर ना हो। वहाँ से डीवीआर को भी इन्होंने चोरी किया, वहाँ लेकर के गए और तमाम इसका मतलब इसके साक्ष्य मिले हैं कि जिससे इनके द्वारा अवॉइड करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें जो थाना 20 की पुलिस है उन्होंने अच्छा काम करते हुए इनको ट्रेस किया, गिरफ्तार किया, जिसके लिए उनको 20,000 रुपये। गैंग में से एक सदस्य दिनेश जगह जगह फूल बेचकर इलाके की रेकी करता था। गैंग को दिनेश ने ही सूचना दी थी कि बैंक में काफी पैसा है, जिसके बाद गैंग ने लूट की वारदात रची थी। दिनेश ने पूछताछ में बताया कि गैंग में एक 15 वर्षीय नाबालिग युवक भी है जो घटना वाले दिन बाहर ही टेम्पो में बैठकर निगरानी कर रहा था। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गैंग के बाकी लोग मजदूरी का काम करते हैं और मौका मिलने पर घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। फिलहाल पुलिस इनका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है, जिससे पता चल सके कि इस गैंग ने और कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। दैनिक खबर के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।